वेलकम टू गेज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है टाइम डी इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये है क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? ये है हमारी, वी नो दैट डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा साई इज इक्वल टू जीरो। ये है हमारी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की थ्री डी इक्वेशन, जिसे हम जानते हैं। इसका भी एक डेरिवेशन है, बट ये बीएससी के सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है। हमें पढ़नी है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये आई कहाँ से है? ठीक है, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं इसको। जो हाँ, हमारे पास साई वेव फंक्शन है, जिसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड में, या फिर ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी हम इसे कहते हैं। दिस में भी रिटर्न है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हमारी तीनों एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे है। अब हम इसके लिए डिराइव करेंगे तो हमें ये पूरा एक साथ लिखना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, डेल टू साई प्लस फोर पाई स्क्वायर अपॉन दिस, जहां पर ये जो डेल है ये हमारा इसके इक्वल है। तो इस पूरे की जगह हम लिख देते हैं डेल साई, हमारा लिखा हुआ है प्लस फोर पाई इक्वल टू इतना। हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगले लैम्डा इज इक्वल टू जो वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगले है वो क्या है, एच अपॉन एम वी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, लैम्डा की वैल्यू पुट आउट कर दी, वैल्यू पुट आउट कर दी। अब हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को लिख लेते हैं हम कैपिटल वी से। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। अब हमें यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये तो यहाँ से हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी, ई माइनस वी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, टू ई माइनस वी अपॉन एम। ये आ गई हमें किसकी वैल्यू, वी स्क्वायर की। ये वी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट आउट करने वाले हैं कहाँ पर, यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेल टू साई प्लस फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और वी स्क्वायर की जगह वैल्यू रख देंगे हम इंटू टू ई माइनस वी अपॉन एम, साई इक्वल्स टू जीरो। अब एक एम से हमारा एक एम कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा एट पाई स्क्वायर एम, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा हमारा डेल टू साई प्लस एट पाई स्क्वायर एम, एट पाई स्क्वायर एम, एट ये हो गया और ई माइनस वी अपॉन कितना एच स्क्वायर और साई इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया हमारा एट पाई स्क्वायर एम, यहाँ पर एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पूरा करके लिख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर और प्लस एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो। ये जो है हमारी, ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये क्या है हमारी, दिस इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन थ्री एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, जहां पर एम हमारा क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, और ई हमारी, ये ई हमारी एनर्जी है। एनर्जी कैसी, ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के पूरी एनर्जी है। वी हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। अब हमें पता है कि वी इज इक्वल टू होता है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये होती है हमारी वैल्यू वी की। अगर हम यहाँ पर इसमें वी की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा आ जाएगा, हमारी जो पूरी इक्वेशन है ये आ जाएगी हमारी डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर
प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस ये वैल्यू पुट आउट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन और साई इक्वल्स टू जीरो। ये आ गई हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीएससी फॉर बीएससी के लिए, उनके पेपर में जरूर आती है, 100% श्योर है कि वेव इक्वेशन जरूर पूछी जाती है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, हमारे पास जो ये जेड ई है, जेड ई जेड ये एटॉमिक नंबर है हमारा, जेड ई चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस है और हमारा माइनस ई चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए लें तो वहां पर जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वन। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, वन, तो इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, वन आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन की, उसके जेड के लिए कितनी होगी बताइए आप लोग, हाइड्रोजन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो हमारी आ जाएगी ई स्क्वायर अपॉन आर साई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये हमें क्या बताती है, ये जो एप्लीकेशन, ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, ये बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज एनालोगस और डी ब्रोगली डिस्क्राइब द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हमारी एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपको फिर से बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी स्टूडेंट्स, स्पेशली बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एग्जाम में 100% आएगी श्योरिटी से। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू बच्चों।